साल 2014 में बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, देश की राजधानी में स्वच्छ भारत अभियान भी राजनीति का शिकार हो गया। कहीं कूड़ा तो कहीं गाद, कहीं गंदे टॉयलेट तो कहीं जल भराव, कहीं नालियां जाम तो कहीं कूड़े के पहाड़। ऐसा लगता है जैसे मानो आम आदमी पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान को फेल करने का बीड़ा उठाया है। ये वही दिल्ली है जिसे सत्ता में आने के बाद लंदन पेरिस बनाने का वादा केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों से किया था। दिल्ली में एक दो नहीं, तीन तीन कूड़े के पहाड़ दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। ये वही कूड़े के पहाड़ हैं जिन्हें तय टारगेट से पहले हटाने का वादा केजरीवाल जी ने किया था। आलम ये है कि ये कूड़े का पहाड़ कम होने की जगह इनकी ऊंचाई और बढ़ गई है। दिल्ली में हर रोज निकलने वाले कूड़े में से 4000 टन कूड़ा प्रोसेस ही नहीं हो पाता है और लैंडफिल साइटों की शोभा बढ़ाता है। बदबू से भरे इन लैंडफिल साइटों से गुजरना नरक की यात्रा करने जैसा है। केजरीवाल सरकार की मेहरबानी से दिल्ली की जहरीली हवा दिल्ली वालों की जिंदगी के 12 साल निगल रही है। रही सही कसर आपने यमुना नदी को गंदा नाला बनाकर पूरी कर दी, लेकिन इस सब के बाद भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली दिल्ली सरकार के पास दिल्ली की सफाई के लिए पैसे नहीं है। इसी का नतीजा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में दिल्ली 2 अंक फिसल कर 11वें स्थान पर पहुंच गई। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली की एमसीडी ने बड़े शान से 90वें स्थान पर जगह बनाई है। हाल ये है कि दिल्ली वालों को ना साफ हवा मिल रही है, ना साफ सड़कें और ना ही साफ पानी नसीब हो रहा है। केजरीवाल जी, क्या यही है आपका लंदन? दिल्ली को कूड़े और गंदगी की राजधानी बनाकर आपको क्या मिला?